और ये उसमें मेरे अलावा सारे दोस्त परिवार भी करते हैं सब साहब जफ़ार साहब शौकत भाई। आइए मैं एक मतलब आप दो शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ। कोचिंग कर जाती है कितना बेकार कनारों को भी कर जाती है जब नदी चढ़ के जवानी की उतर जाती है। कितना बेदार तनारों को भी कर जाती है जब नदी चढ़ के जवानी की उतर जाती है। और शेर मुरादा फरमाए कि जब नदी चढ़ के जवानी की उतर जाती है। हादसे शहर में अब होने लगे हैं इतने, हादसे शहर में अब होने लगे हैं इतने, देख के लौटू जो घर माँ मेरी डर जाती है। हादसे शहर में अब होने लगे हैं इतने, देख के लौटू जो घर माँ मेरी डर जाती है। और ये शेर भी मुरादा फरमाने के माँ मेरी डर जाती है ये हवस दादी मेरे नफ्स पे कब्जा करके, ये हवस दादी मेरे नफ्स पे कब्जा करके कितना सस्ता मेरे किरदार को कर जाती है। ये हवस दादी मेरे नफ्स पे कब्जा करके कितना सस्ता मेरे किरदार को कर जाती है। और एक मतलब दो चार शेर हाजिर करता हूँ। मुरादा फरमाए बहन ने 16 दिसंबर दिल्ली मतलब यूं कहा है। मुरादा फरमाए के घरों से अपने निकलना बहुत जरूरी है, घरों से अपने निकलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, घरों से अपने निकलना बहुत जरूरी है, मिजाज शहर बदलना बहुत जरूरी है, घरों से अपने निकलना बहुत जरूरी है, मिजाज शहर बदलना बहुत जरूरी है। और शेर मुरादा फरमाने कि वो दोपहर का सूरज है कोई बता दे उसे, वो दोपहर का सूरज है कोई बता दे उसे, यहाँ से अब तेरा ढलना बहुत जरूरी है। वो दोपहर का सूरज है कोई बता दे उसे, यहाँ से अब तेरा ढलना बहुत जरूरी है, यहाँ से अब तेरा ढलना बहुत जरूरी है। शेर आपके समाजों के हवाले कि जो मौजलों की तरह हमको टसने निकले हैं, जो मौजलों की तरह हमको टसने निकले हैं, सरों को उनके कुचलना भी बहुत जरूरी है। जो मौजलों की तरह हमको टसने निकले हैं कुचलना बहुत जरूरी है। और शेर देखें कि जरा सी धूप जो बर्दाश्त कर नहीं सकते, जरा सी धूप जो बर्दाश्त कर नहीं जरूरी है, जरा सी धूप जो बर्दाश्त कर नहीं सकते, वो ये समझ ले पिघलना बहुत जरूरी है। बशीर मुरादा फरमाए कि पिघलना बहुत जरूरी है। निगाह तुमसे जो बदले तो जान लो इतना, निगाह तुमसे जो बदले तो जान लो इतना, तो जान लो इतना, निगाह उससे बदलना बहुत जरूरी है। निगाह तुमसे जो बदले तो जान लो इतना, अकेले भी मैं बदल सकता हूँ निजामे जहाँ, अकेले भी मैं बदल सकता हूँ निजामे जहाँ, तुम्हारा साथ में चलना बहुत जरूरी है। अकेले भी मैं बदल सकता हूँ निजामे जहाँ, तुम्हारा साथ में चलना बहुत जरूरी है। मक्के का शेर हाजिर करता हूँ कि कदम कदम पे जो तकलीफ देते हैं शारे, कदम कदम पे जो तकलीफ देते हैं शारे, उन्हें भी आज मसलना बहुत जरूरी है, उन्हें भी आज मसलना बहुत जरूरी है। मैं उसी लघु लहजे के एक और शायर हमारे बीच में हैं जिनका नाम है आरिफ उमर। आरिफ उमर साहब भी जदीद लघु लहजे की शायरी करते हैं और बहुत ही गहराई से उनका जो उनकी गजलें जो होती हैं जिंदगी के तमाम मसलों को बहुत ही गहराई से समझते हैं महसूस। उन्हें दो शेरों के साथ आवाज दे रहा हूँ कि मैं कब कहता हूँ वो अच्छा बहुत है, मैं कब कहता हूँ वो अच्छा बहुत है, मगर
उसने मुझे चाहा बहुत है। मैं कब कहता हूँ वो अच्छा बहुत है, मगर उसने मुझे चाहा बहुत है। वो अब लाखों दिनों से खेलता है, मुझे पहचान ले इतना बहुत है। आरिफ उमर काफी हो गया, दो तीन शेर समान फरमा ले। अर्थ किया है कि बाज जब भी उड़ान लेता है, बाज जब भी उड़ान लेता है कुछ परिंदों की जान लेता है। क्या बात, बाज जब भी उड़ान लेता है कुछ परिंदों की जान लेता है और फूल भी खार लगने लगते हैं, फूल भी खार लगने लगते हैं वक्त जब इम्तहान लेता है, फूल भी खार लगने लगते हैं वक्त जब ये रहती है लुत्फ तो आसमान लेता है, जुल्म अक्सर जमीन सहती है, जुल्म अक्सर जमीन सहती है लुत्फ तो आसमान लेता है। और जब भी सरहद को प्यास लगती है, जब भी सरहद को प्यास लगती है ये वतन रक्तदान लेता है, ये वतन रक्तदान लेता है। जब भी सरहद को प्यास लगती है ये वतन रक्तदान लेता है। दो तीन शेर और यहाँ से उमर सुना दे कि धूल उड़ने लगी है टीलों से, धूल उड़ने लगी है टीलों से फायदा क्या तेरी दलीलों से, फायदा क्या तेरी दलीलों से। और पैरवी कर रहे हैं कातिल की, पैरवी कर रहे हैं कातिल की, छीन लो डिग्रियां वकीलों से, छीन लो डिग्रियां वकीलों से। और डूबी तालाब में मेरी कश्ती, लोग डरने लगे हैं झीलों से, डूबी तालाब में मेरी कश्ती, लोग डरने लगे हैं झीलों से। और फिर भी जालिम झुका नहीं पाया, फिर भी जालिम झुका नहीं पाया, छेड़ जाना है जिस कीलों से। क्या बात है, फिर भी जालिम झुका नहीं पाया, छेड़ जाना है जिस कीलों से। और उसकी फितरत कहो या खुददारी, बाज डरता नहीं है चीलों से, बाज डरता नहीं है। और अब हम उस मुकाम पर आ गए हैं कि हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है, बस दो तीन नाम ही हमारी फहरिस्त में रह गए हैं और वो उस्ताद शायरों के नाम हैं। मैं चाहता हूँ उनके बाद पढ़ना हिमाकत होगी, तो अपने कुछ शेर में पेश करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो चंद शेर पेश कर रहा हूँ। जनाब राजकुमार अंजुम जी किसी तारुक से मोहताज नहीं, लेकिन उन्होंने सबको बुलाया तो मैं चाहता हूँ कि चार लाइनों से उनको भी बुलाऊं। मैं चार लाइनों से अंजुम साहब को आवाज देता हूँ, कोई हुक्म ये है कि मैं इजहारे तमन्ना ना करूँ, हुक्म ये है कि मैं इजहारे तमन्ना ना करूँ, गुंबतों को इश्क में देखूँ, गुंबतों को इश्क में आखिर में करूँ या ना करूँ, हुक्म ये है कि मैं इजहारे तमन्ना ना करूँ, गुंबतों को इश्क में आखिर में करूँ या ना करूँ। खुद ही बेताब है वो जलवा दिखाने के लिए, खुद ही बेताब है वो जलवा दिखाने के लिए, और ये मुझसे तकाजा है कि देखा न करूं, और ये मुझसे तकाजा है कि देखा न करूं। आइए माइक है आपने और अंजुमा। मुकद्दर की मोहब्बत तुझमें है जज्ब, मेरे मुकद्दर की मोहब्बत बाहर कभी तो आएगी अंदर की मोहब्बत, तुझमें है जज्ब मेरे मुकद्दर की मोहब्बत बाहर कभी तो आएगी अंदर की मोहब्बत। और जो इश्क कर रहे हो तो इतना भी जान लो, जो इश्क कर रहे हो तो इतना भी जान लो, मिलती नहीं किसी को बराबर की मोहब्बत। और ये उम्र अपनी हंस के मैं कर देता उसके नाम, ये उम्र अपनी हंस के मैं कर देता उसके नाम, मिल जाती मुझे ये उम्र अपनी हंस के मैं कर देता तेरे, ये उम्र अपनी हंस के मैं कर देता तेरे नाम, मिल जाती मुझे तुझसे जो पल भर की मोहब्बत। और कश्मी साहब की याद में ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित हम लोगों ने किया है। कश्मी साहब की खूबी ये थी कि बहुत ही
जबरदस्त अदब नवाज और मेहमान नवाज थे वो, और हम लोग जितनी बार भी उनके घर जाते थे, चाहे दिन में अगर चार बार जाए तो चाय मिलती थी और नाश्ता मिलता था। इतनी हम लोगों को झंझलाहट होती है अगर कोई महीने में 15 दिन में भी हमारे घर आता है और इस तरह से हमें उसका स्वागत करना पड़ता है, लेकिन जगदीश साहब की मोहब्बत उसका कोई स्थान ही नहीं है। तो उसी एतबार से ये शेर निकला है और उसी हवाले से मैं उसको पेश भी कर रहा हूँ कि दुनिया में दिल ने पाया ना वैसा कहीं सुकून, दुनिया में दिल ने पाया ना वैसा कहीं सुकून, रहने के याद आती है उस दर की मोहब्बत। दुनिया में दिल ने पाया ना वैसा कहीं सुकून, रहने के याद आती है उस दर की मोहब्बत। और मेरा और उसका साथ रहा यूं तमाम उम्र, मेरा और उसका साथ रहा यूं तमाम उम्र, जैसे किसी इंसान से पत्थर की मोहब्बत। मुल्क के जो आज जो हालात चल रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से देश को लूटा जा रहा है, उस हवाले से शेर का आफिस तो है अल्लाह दोस्तों, जिस भी जुनू तो कभी बे खुदी में गुजरी, जुनू तो कभी बे खुदी में गुजरी है, कभी जुनू तो कभी बे खुदी में गुजरी लगी, जो तेरी बे रुखी में गुजरी है, वो जिंदगी जो तेरी बेरुखी में गुजरी है, तेरा जो दौर मोहब्बत रहा वो तू जाने, बहुत ही सीनियर शायरों में उनका शुमार होता है। मैं
इस एक शेर के साथ, इन दो मित्रों के साथ उनको आवाज दे रहा हूं कि हमारा जिक्र जहां तक है वो हकीकत है, हमारा जिक्र जहां तक है वो हकीकत है, फिर उसके बाद वो कुछ भी कहे फसाना है। एक बार फिर से बस देखिए, याद लीजिए कार्यक्रम चल रहा है, हकीकत के तौर पर चार दूसरे पेश कर रहा हूं, समाज फरमाइए। गुल आए हकीकत के चमन याद करेंगे, गुल आए हकीकत कहते हैं शरीफा के फूल, गुल आए हकीकत के चमन याद करेंगे, मुजमर जो रहे तुझ में वो फन याद करेंगे, वो नर्म निगारी हो गजलिया की रुबाई, गजलिया की रुबाई कश्मी तुझे अरबाब सुखन याद करेंगे, कश्मी तुझे अरबाब सुखन याद करेंगे। और एक कथा चालू जो समाज में, गुलशन में दिल नशीन नजारों का रस है, गुलशन में दिल नशीन नजारों का रस है, अंबर पे जैसे चांद सितारों का रस है, अंबर पे जैसे चांद सितारों का रस है, है फिर तय अलम तो कभी है खुशी की धूम, है फिर तय अलम तो कभी है खुशी की धूम, इंसान के बीच वक्त के भारों का रस है, इंसान के बीच वक्त के भारों का रस है। मौजूद है जिनकी दो किताबों का यहाँ विमोचन आज यहाँ किया गया से, मैं वो कविता भी लिखती हैं, शायरी भी करती हैं और गद्य भी लिखती हैं, यानी कि अफसाने और नॉवेल लिखती हैं, मैं उनको यहाँ आवाज दे रहा हूँ कि वो यहाँ आए और अपनी कविता से या अपने ख्याल अपने उद्गार जो व्यक्त करना चाहें वो यहाँ आकर माइक पर उनको व्यक्त करें। उनके लिए मैं ये दो मिसरे पेश कर रहा हूँ कि दोस्तों इनके तारों की जरूरत क्या है, दोस्तों इनके तारों की जरूरत क्या है, फूल के पास से जो गुजरो तो महक आती है। कहना तो बहुत कुछ था अपने पिता के बारे में, कश्मीर साहब के बारे में, अपने लेखन के बारे में, लेकिन वक्त का तकाजा ये है कि मैं चंद लफ्जों पर अपनी बात खत्म करूं। मेरी जिंदगी के 12 साल यहाँ झांसी में गुजरे और जिस शख्स से मेरी पहली मुलाकात हुई वो थे कश्मीर साहब। मैं अफसाना निगार, लेकिन गजलों की तरफ रुझान था, नज़मों की तरफ रुझान था, लेकिन लिखने का कायदा सिखाया था कश्मीर साहब ने। मैं आज बहुत भरे दिल से उनको याद करती हूँ। बहुत सारे वाकयात मुझे याद हैं, मैं उन तमाम का बयान नहीं कर पाऊंगी। एक अफसाना मैंने उन पर लिखा है, कांटों की नोक पर टिकी शबनम, तो क्या छोटा सा वाक्य मैं आपके लिए सुनाना चाहूंगी बहुत कम वक्त में। मेरे साहबजादे अपने कोचिंग क्लास के लिए जा रहे थे, उस वक्त मुझे पता चला कि मैं माँ साहब कहती रही हूँ उनको कि माँ साहब की तबीयत नासाज है। मैंने साहबजादे से अर्ज किया कि आप जाएं और माँ साहब की खैर खैरियत मालूम करें और मुझे बताएं। हजरत वहाँ पहुँचे तो पता चला कि कोई और शख्स वहाँ बैठे हुए हैं जो माँ साहब को बंदूक से बता रहे हैं उनके बीमारी के इलाज के लिए। उनके हाथ में पेन नहीं था, माँ साहब उस पेन को लेकर
सर पर मफलर बांधकर शाल ओढ़कर तमाम इंतजाम करके बुखार में तपते हुए वो पेन लेकर उस कोचिंग क्लास में पहुंचे। मेरे बच्चे ने देखा, उसके आंख में आंसू आ गए कि मैंने ऐसा शख्स मम्मी आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये वो शख्स थे, ये खुलूस, ये मोहब्बत, ये प्यार, ये वफा, ये इंसानियत। अबे वो सूरज, तुम आज बस आज क्षितिज पर ना आना। सूरज ओ सूरज, तुम आज बस आज क्षितिज पर ना आना। रात भर भूख से बेहाल बच्चों को, रात भर भूख से बेहाल भी बहलाकर सुलाया है। रात भर भूख से बेहाल बच्चों को भोर की ठंडी बयार ने अभी अभी बहलाकर सुलाया है। तुम्हारी तेज किरणों से झुलस जाएंगे उनके गाल और जाग जाएंगे वो मीठे सपनों से। तुम्हारी तेज किरणों से झुलस जाएंगे उनके गाल और वो जाग जाएंगे मीठे सपनों से। फिर मांगने लगेंगे मुझसे दूध, दलिया, किताबें और फीस। फिर मांगने लगेंगे मुझसे दूध, दलिया, किताबें और फीस। और तब शुरू हो जाएगा मेरी मजबूरियों और आत्मसम्मान के बीच घमासान युद्ध। तब शुरू हो जाएगा मेरी मजबूरियों और आत्मसम्मान के बीच घमासान युद्ध और मैं रेजा रेजा बिखर जाऊंगी इसलिए सूरज ओ सूरज, तुम आज बस आज क्षितिज पर ना आना, क्योंकि आज महीने की आखिरी तारीख है। अब हमारे इस मंच पर सरोज खासी साहब ही, मैं उनकी तारीफ में उनकी शख्सियत के लिए उनको आमंत्रित करने के लिए किसी दूसरे शायर के शेर क्या पेश करूं। उनकी अपनी शायरी इतनी अच्छी है कि मैं उनके ही दो शेरों से उन्हें आवाज दे रहा हूं कि हटा दो पहले जमाने से दुश्मनी के चिराग, हटा दो पहले जमाने से दुश्मनी के चिराग, तभी तो रोशनी देंगे ये दोस्ती के चिराग। हटा दो पहले जमाने से दुश्मनी के चिराग, तभी तो रोशनी देंगे ये दोस्ती के चिराग। और अब इससे बढ़ के अदावत का दौर क्या होगा, अदावत यानी दुश्मनी। अब इससे बढ़ के अदावत का दौर क्या होगा कि आदमी ही बुझाता है आदमी के चिराग। सरोज साहब को हम, ये हमारे जहन में है ये बात, ये किसी भी समाज से बड़े हैं। अब जब हम आगे जो भी कार्यक्रम कादंबरी का यहाँ करेंगे तो उस कार्यक्रम में हम सरोज साहब को भी सम्मानित करेंगे। वो उनका मुकाम बहुत ऊंचा है। अगर हमने ये संगीत और चित्रकला की विभूतियों को इसमें शामिल नहीं किया होता तो उनका प्रस्ताव इसी कार्यक्रम में था, लेकिन आगे हम उनका सम्मान करेंगे इसी मंच पर। बड़े अदब और आदर के साथ मैं उन्हें माइक दे रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि तालियों के साथ उनका स्वागत करें। बेअमल जिंदगी, माइक जरा ऊपर कर दो थोड़ा सा। बेअमल जिंदगी बेअसर जिंदगी, बेअमल जिंदगी बेअसर जिंदगी, बाअमल जिंदगी कारगर जिंदगी। बेअमल जिंदगी बेअसर जिंदगी, बाअमल मौत के दोष पर जिंदगी दोष गाथा। उम्र भर मौत के दोष पर जिंदगी और उम्र भर मौत से बेखबर बाल मरने की भी ये खत्म होती नहीं, बाल मरने के भी ये खत्म होती नहीं। यूं तो कहने को है मुख्तसर जिंदगी, तो कहने को है मुख्तसर जिंदगी। आज क्या है, उठो कि आज कोई मिलके ऐसा काम करे, उठो कि आज कोई मिलके ऐसा काम करे, ये मेहरबान ये अंजुम हमें सलाम करे। उठो कि आज कोई मिलके ऐसा काम करे, ये मेहरबान ये अंजुम हमें सलाम करे।
ये गम भी असल में खुशियों का पेश खैमा है, ये गम भी असल में खुशियों का पेश खैमा है। दिलो जिगर से कहो गम का एतराज करे, दिलो जिगर से कहो, दिलो जिगर से कहो गम का एतराज करे। बदल गया संता बना रहे मैं बेख्वाब हुआ, क्या बात है, जो भी आया हो मैं बेख्वाब हुआ, जो भी आया वो मेरे ख्वाब हुआ। कौन दुनिया में कामयाब हुआ, कौन दुनिया में कामयाब हुआ, कितनी शाखों का खून चूसा है, कितनी शाखों का खून चूसा है, तब कहीं सुर्ख रु गुलाब हुआ, तब कहीं सुर्ख रु गुलाब हुआ। रात भर लूटा चांद तारों को, रात भर लूटा चांद तारों को, सुबह चमका तो आफताब हुआ, सुबह चमका तो आफताब हुआ। मैं था खामोश तो भरम था सरोश, मैं था खामोश तो भरम था सरोश, लब जो खोले तो बेनकाब हुआ, लब जो खोले तो बेनकाब हुआ, जो भी आया वो महबूब हुआ, कौन दुनिया में कामयाब हुआ। बहुत ही कामयाब अशार हमारे बीच में, बहुत ही अच्छे अशार हमारे बीच में, बहुत ही कामयाब अंदाज में पेश किए, बहुत अच्छी उनकी करना चाहेंगे। लेकिन उसके पहले हमारे अतिथि जो यहाँ रजिस्ट्रार साहब बैठे हुए हैं उनको मैं आमंत्रित करूंगा भोजन के लिए। लेकिन मैं हमारे जो उन श्रोताओं का, जो छठे हुए श्रोता हमारे बीच में रह गए हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अपना लक्ष्मण साहब के रिकॉर्डिंग स्टूडियो सुपर साउंड करके बहुत काम कर रहे हैं। इस समय कई उन्होंने सीडी और कैसेट की सीडी दुनिया भर की कंपनियों से रिलीज उन्होंने यहाँ से झांसी कलाकार में कराए हैं। झा साहब हैं हमारे पुरानी भाई, सभी का हम आभारी हैं। और रजिस्ट्रार साहब से हम अनुरोध करते हैं कि मैडम शमा खान भाई, अंजुम साहब, अरमान साहब और सभी मेरे भाई, आज बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत खूबसूरत अच्छी अच्छी कप्तान शेर शायरी सुनने को मिले। मैं आज जो ये प्रोग्राम किया गया है वो ख़ास तौर से कश्फी झांसफी साहब की याद में किया गया है। मैं उनको अपना आदर्श मानता था, मैं उन्हें अपना बड़ा भाई मानता था और वो मुझे बहुत चाहते थे, बहुत मोहब्बत देते थे और मुझे बिठाते थे और अपने शेर सुनाते थे। उन्हीं का शेर मैं आपके, जो तू तेरी रजा के साथ ही मेरी रजा है, तेरी रजा के साथ ही मेरी रजा है, जो तू खफा हुआ तो, जो तू खफा हुआ तो बिखरना पड़ा मुझे। ये बहुत अच्छी तरह और बहुत कई बार उसको कहते थे, मुझे बहुत पसंद लगता था, पसंद आता था, मैं उनके पास बैठता था, टाइम देता था। एक शेर उनके शान में और कहना चाहता हूँ, पहुँच नहीं जाता है कोई यूं ही रातों रात बुलंदी पर, पहुँच नहीं जाता है कोई यूं ही रातों रात बुलंदी पर,
छत पड़ने से पहले दीवार उठानी पड़ती है। बहुत कश्मीर साहब बहुत भाई के शायर थे, बहुत ऊंचे थे, सादगी और आजजी, उनसे अगर कोई सीखे सीखना चाहता तो उनसे आदगी और सादगी सीखे। मैं उनको आदर्श मानता था, उनको अपने हकीकत पेश करता हूँ। ये प्रोग्राम बहुत शानदार रहा, इसके लिए मैं आयोजक और संयोजक जनाब अंजुम साहब का, जनाब अरमान साहब का और उनकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे इल्तिजा करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम करते रह करें, इससे कि हम लोगों को थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है। इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं वो वास्तु संयोजक हमारे हम का समापन अब बिल्कुल उस मुकाम पे हम पहुंच गए हैं, समापन के अवसर अब आ गया है। मैं उनको आह्वान दे रहा हूँ कि वो औपचारिक रूप से हमारे अतिथियों का आभार व्यक्त करें, हमारे श्रोताओं का आभार व्यक्त करें और इस कार्यक्रम के समापन की रस्म को अंजाम दें। जीवित दिवानी अरमान साहब, मुझे अंजुम साहब का ही मैं जनाब सरोज साहब हमारे बुजुर्ग शायर झांसी के, जनाब उस्मान साहब, मैडम समा खान और आप तमाम आदि जी मेरे तमाम हजरात को मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना कीमती वक्त दिया और इस काम में इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।